हमेशा अपडेट लाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आप में नई वीडियो आ रही हो आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों, इस बार मैं यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ, अगर जो उसका थैनोस फायर नहीं करवाता अपनी शिप से एंड गेम में स्कारलेट विच के ऊपर तो क्या होता। दोस्तों इसकी दो थ्योरीज बन रही हैं साफ साफ। एक थ्योरी होगी मार्वल की बेसिस पे और एक होगी मेरी बेसिस पे। इसका मार्वल की बेसिस का मतलब है, अगर मार्वल टोनी स्टार को ट्रिब्यूट ही देना चाहती थी तो वो कैसे को करती, और अगर वो मार्वल टोनी स्टार को ट्रिब्यूट नहीं देना चाहती थी तो उसका उसमें क्या होता। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है मेरी पहली थ्योरी जो कि है मार्वल की बेसिस पर। तो ये थ्योरी कुछ ऐसे है दोस्तों, अगर थैनोस फायर नहीं करवाता तो ऐसे हो सकता था कि जो स्कारलेट विच है थैनोस को अधमरा कर देती, बिल्कुल मार देती, और टोनी स्टार्क जो है हमारे रॉबर्ट डाउनी जूनियर वो स्टोन्स ले लेते। या ऐसे भी हो सकता था कि स्कारलेट विच थैनोस को बिल्कुल ही डैमेज कर देती, उसका इतना बुरा हाल कर देती कि वो उठने जो बिल्कुल नहीं रहता, और उसे दूर भगा कर मार दी, जिसकी कारण जो इन्फिनिटी गोंडले क्या उससे दूर रह जाता और आयरन मैन फटाफट उसे पहन कर देता स्नैप। पहली थ्योरी तो दोस्तों ये हो सकती है। अगर आप इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें बहुत सी टाइप आ जाएंगी। जैसे कुछ और भी हो सकता था इसमें, जैसे स्कारलेट विच थैनोस को स्पेसशिप पर पटक कर मारती, फिर आयरन मैन हमारा उड़कर उसे पहनता, यानी कि सभी इसमें ही आ जाता है। ये है हमारी फर्स्ट थ्योरी। जो है हमारी सेकंड थ्योरी वो थोड़ी सी इससे अलग है। उसमें हम ऐसे बताएंगे कि अगर जो स्कारलेट विच, अगर मार्वल को टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट नहीं देना होता तो वो कैसे दिखाती इस सीन को। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ आपको सेकंड थ्योरी दोस्तों कुछ इस तरह है। अगर मार्वल के बेसिस पर ये नहीं है, अगर मार्वल टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट नहीं देना चाहती तो वहाँ स्कारलेट विच ही थैनोस का किस्सा ख़त्म कर देती। जी हाँ दोस्तों, स्कारलेट विच ही थैनोस का किस्सा ख़त्म कर देती, क्योंकि स्कारलेट विच ने उसे अधमरा तो कर ही दिया था। अगर वो फायर नहीं करवाता तो स्कारलेट विच का तो बहुत 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 बुरा हाल कर दिया था थैनोस का, जो कि बहुत मुश्किल था थैनोस के लिए। अगर थैनोस बच भी जाता तो स्कारलेट विच जो है इन्फिनिटी गोंडले की मदद से, मेरे हिसाब से अपनी पावर से 6 के 6 स्टोन्स को एक साथ कर लेती और उनका यूज़ करती। इससे जो है कि स्नैप उल्ट हो जाता, और मेरे हिसाब से ऐसा होता कि स्कारलेट विच जो है उसकी पावर्स चली जाती और जो सारे स्टोन्स है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते थे, यानी कि बहुत बड़े एक्सप्लोजन भी हो सकता था उससे। लेकिन स्कारलेट विच स्टोन यूज़ करती और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती। इसमें कैसे भी हो सकता था कि स्कारलेट विच जो है दुनिया को खतरे में डाल देती, जो कि बाद में हमारा आयरन मैन है जो ठीक करता उस खतरे को। ऐसे भी हो सकता था, या मार्वल इसका थर्ड पार्ट निकालता एंड गेम के बाद, जो कि इन्फिनिटी वार एंड गेम, और उसके बाद एक और पार्ट निकालता और बताता कि क्या हुआ उसके बाद। और ये थी मेरी दोस्तों दो थ्योरीज। हो सकता है आप में से बहुत बहुत लोग सेटिस्फाइड ना हो उसमें, लेकिन ये तो दोस्तों थ्योरीज है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन मुझे कमेंट में बताना जरूर दोस्तों, ये दो थ्योरीज आपको कैसी लगी, और वो वाली तो जरूर बताना जो मैंने बताया आपको कि स्कारलेट विच 6 स्टोन्स का यूज करती। और मैं आपसे वो भी जानना चाहता हूँ, अगर मार्वल ऐसा करती तो क्या हो सकती थी आगे की स्टोरी, क्या हो सकता था आगे का टॉपिक, ये मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। और ये भी बताना कैसी लगी मेरी नई वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप जान सके अगली मेरी मार्वल की वीडियो, या कोई नई वीडियो, या कोई मॉडल्स क्वाइंस कुछ भी, बहुत कुछ सरप्राइज से भरा होने वाला है। ये सार होगा फनी मजेदार कमाल का। तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब,
क्योंकि फोन है दोस्तों। अगर आपने ये मिस कर दिया तो दोस्तों आप पता नहीं क्या क्या मिस कर देंगे, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। चलिए दोस्तों अब मेरे अलविदा लेने का वक्त हो चुका है। टाटा बाय बाय सी यू नेक्स्ट टाइम।